कोलकाता में आए हो और यहाँ पर नहीं आके खाया तो फिर क्या किया? स्वयं नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी का एक फेवरेट जगह था जहाँ पे वो आते थे, और उनका जो फेवरेट डिश था वो प्याजी। ये उनका काफ़ी फेवरेट तेले भाजा था। तेले भाजा क्या होता है, हमारे नॉर्थ इंडिया में इसको पकौड़ा कहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लक्ष्मी नारायण शाहू एंड सन्स की, जो कि ना सिर्फ कोलकाता में ही इनकी ख्याति है बल्कि काफ़ी विश्व के काफ़ी बाहर के जगहों से भी यहाँ पे लोग आते हैं इनके यहाँ पे तेले भाजा खाने। तो काफ़ी तरह की वैरायटीज़ यहाँ पे मिलती हैं। पीछे आप देख रहे होंगे कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यहाँ पे इन्होंने एक स्टैचू बनवा के रखा है, तो इसके पीछे भी काफ़ी कहानी है। कहा जाता है कि जो हमारे नेताजी है वो यहाँ पे आते थे, उनको प्याजी काफ़ी पसंद था, और ये जो 1942 से यहाँ पे एक प्रथा है कि उनके जन्मदिन के दिन ये यहाँ पे जो आते हैं उनको फ्री में तेले भाजा देते हैं। वे वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं सैम और आप देख रहे हैं सैम स्टेल्स, और आज मेरे साथ है ऑब्वियसली संजय तो है ही, और ये मेरी बहन वो भी है अनिंदिता, और साथ में है ये कल नहीं थे, ये सुजीत दा और हमारे अभिजीत दा। तो हम लोग आए हैं यहाँ पे आज यहाँ का तेले भाजा को एक्सप्लोर करने, और काफ़ी बड़े बड़े लोग जो हैं बंगाल से और बाहर से भी आते हैं। 1918 से ये अपना सर्विस दे रहे हैं तेले भाजा का। काफ़ी पुराना दुकान है, करीब 105 साल पुराना दुकान है ये। हाँ, गर्मा गर्म तेले भाजा देखो प्लेट में क्या सजा के रखा हुआ, क्या मस्त लग रहे हैं, सुनहरे सुनहरे गोल गोल, मेरे तो पेट में जाने को आतुर हो रहा है भाई। अरे ऑर्डर तो भाई अब रहा नहीं जा रहा है। वो है प्याजी, प्याजी जिसे हम प्याज का पकौड़ा कहते हैं नॉर्थ इंडिया में। और ये देखिए बिल्कुल प्याज से भरा हुआ है, काफ़ी बड़ा है ये साइज में भी, और हमें सॉस दिया गया है साथ में एक सलाद, और सलाद भी दिया गया प्याज गाजर और खीरा के साथ। तो मैं टेस्ट करता हूँ, अब उसके बारे में मैं क्या कहूँ, ये तो वैसे ही भी काफ़ी फेवरेट है बंगालियों में, बाहर भी है। तो आप आइए यहाँ पे, मैंने जैसे कि पहले भी कहा था कि कोलकाता में अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पे नहीं खाया तो कुछ भी नहीं खाया। टेस्ट बहुत ही बेहतरीन है, भीड़ बहुत होती है यहाँ पे, तो बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म भी होता रहता है। एक खासियत है यहाँ पे कि ये एक बार जो तेल यूज़ करते हैं अपने पकौड़ा बनाने में वो दूसरे दिन इसको नहीं यूज़ करते हैं। तो संजीव कपूर जी आप ऑब्वियसली जानते ही उनको, वो भी यहाँ पे आके यहाँ का टेस्ट किया है, उन्होंने आया यहाँ पे, और भी काफी लोग हैं आपके यहाँ पे देखने को मिलेंगे, काफी फेमस है ना सिर्फ बंगालियों में, वहाँ नॉन बंगालियों में भी काफी फेमस है ये, और साथ में बाहर के बाहर से भी काफी लोग आते रहते हैं। क्या अच्छा है, मतलब क्या इसमें फ्लेवर आ रहा है? और मसालों का भी फ्लेवर आ रहा है। अच्छा, आप क्या कहते हैं संजय जी? बहुत अच्छा है, बेहतरीन है, कलकत्ते की शान है, आम बाम शान है कलकत्ते की, बहुत बढ़िया। हम आपसे पूछते हैं अभिजीत जी, आपको कैसा लग रहा है? फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, मुझे तो बहुत बड़ा बढ़िया लगा। प्याजी ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए ना। दिस इज कॉल्ड प्याजी, दिस इज कॉल्ड प्याजी। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लिया है, ये साइज है इसका, कश्मीरी चौक कहते हैं इसको। अब इसको मैं पहले तोड़ के देखता हूँ कि इसमें क्या है। पूरा मसाला है इसमें, आलू भी मैश करके डाला गया है, काफी अलग फ्लेवर आ रहा है इसमें, देखते हैं खा के कैसा लगता है ये। थोड़ा सा स्पाइसी है, ठीक है, बढ़िया है क्या, एकदम ठीक है खाने में। मैं थोड़ा सा
मॉस लगा के खाता हूँ। सॉस के साथ इसका टेस्ट और भी निकल के आता है। जो टमाटर का फ्लेवर है, जो मतलब सॉस का फ्लेवर है, वो इस टॉप को और ज़्यादा एनहेंस कर देता है। बहुत स्पाइसी है। इसमें काफ़ी सारे वेजिटेबल का मिक्सचर है, बीट, गाजर, प्याज, इन सब बादाम बादाम का सब मिला के ये एक मिक्सचर बनाया हुआ है। और ये चॉप की तरह नहीं बनाया था, ये है आपका जो पकौड़ा बनता है उसके तरीके से इसको बनाया गया है, बेसन में घोल के बनाया गया है। इसमें कोई कोटिंग नहीं है, आपका जो हम लोग ब्रेड क्रम्स या देते हैं उसकी कोई कोटिंग नहीं है, नॉर्मल पकौड़े की तरह है, लेकिन थोड़ा सा स्पाइसी है, तो खाने में बड़ा मज़ा आता है। जो स्पाइसी खाते हैं उनको लिए तो बहुत ही बेहतरीन है। ऑब्वियस बात है कि अगर सॉस के साथ आप लेते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। विशेष पानी के साथ, एक मिनट ये बताना, ये शाम को 8 बजे के बाद विशेष कुछ काम करते समय ये बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। अब क्या है कि हम लोगों ने एक साथ 4-5 टेलीवाजा ले लिया था, चॉप जो है वो हमने ले लिया था, तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि क्या है क्या नहीं है, कि बाकी दो चीज़ों का तो पता चल गया था। इसको हम तोड़ के देखते हैं कि ये कौन यार ये आवाज चलिए इसको हम तोड़ के देखते हैं और पता करते हैं कि इसमें क्या है। ये अब हमारे लिए सरप्राइज हो चुका है कि इसके अंदर जो है वो क्या चीज है। तो पहले तो हम इसको तोड़ते हैं। ओके, तो ये कैप्सिकम हका है क्योंकि इसमें पूरा का पूरा कैप्सिकम देखने को मिल रहा है हमें। तो और इसके अलावा ऑब्वियस बात है कि इसमें आलू जो है ही बाइंडिंग करने के लिए और बीन्स भी देखने को मिल रहा है। ये देखिए बीन्स भी है यहाँ पे और गाजर भी है। देखते हैं इसका टेस्ट कैसा निकलता है। जो कैप्सिकम है वो वैसे भी मुझे काफ़ी पसंद आता है। देखने वाली बात है कि इस पकौड़े में कैप्सिकम का फ्लेवर आता है कि नहीं आता है। कैप्सिकम का तो फ्लेवर आ ही रहा है। नहीं नहीं, ये भी थोड़ा सा स्पाइसी, मेरे कहते हल्का सा स्पाइसी ये लोग रखते हैं, जो कि प्याजी भी नहीं था और फ्लेवर अच्छा आ रहा है इसमें। इसमें जो मसाले डाले गए हैं वो भी आ रहा है, इसमें अदरक का भी एक स्वाद आ रहा है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। हम थोड़ा स्पाइसी खाते हैं तो हमको तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। वर्थ है, वर्थ खाना है मेरे हिसाब से तो भैया। ये बहुत ही डिलीशियस लग रहा है मुझे। बिल्कुल नया स्वाद है कैप्सिकम को, बहुत मैंने कभी नहीं खाया, बहुत अच्छा है। ये हमारा फोर्थ चॉप, ये वाला देखने में एक सही लगता है। जो प्रोसेस है बनाने का वो मोर लेस एक ही तरीके का होता है, लेकिन अंदर इसके जो स्टफिंग अलग तरीके के होते हैं। अब क्या है, ये है नारियल का चॉप, लेकिन मैं पहली बार ये टेस्ट कर रहा हूँ नारियल का चॉप। तोड़ के देखते हैं पहले कैसा दिखता है, फिर इसका टेस्ट मैं आपको बताता हूँ। तो कुछ इस तरीके से है, नारियल को ग्रेट करके ही बनाया गया है। इसमें धनिया का यूज़ किया गया है जो बाहर से मुझे देख के लग रहा है, और मिर्च भी है। ऑब्वियस बात है कि मिर्च भी है क्योंकि उसके मिर्च का डंठल भी देखने को मिला है। और ये देखिए वाइट वाइट, देखिए ये देख रहे हैं, दिख रहा है आपको वाइट वाइट, देख के लग रहा है कि इसमें नारियल का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है। हल्का सा मिल पाया, जैसे वो स्पाइसी था, ये थोड़ा सा मिठास की तरफ है। इसमें धनिया का फ्लेवर भी बहुत बढ़िया आ रहा है। यहाँ का चॉप बहुत अच्छे होते हैं, बोलते हैं यहाँ के चॉप बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बढ़िया। ओ सॉलिड सॉलिड, ओ मूंगफली का भी मुँह में पड़ा, मूंगफली भी डाला गया है। नो डाउट ये तो लाजवाब, लाजवाब इंदर, लाजवाब पूरा ही लाजवाब है। मुझे तो बहुत बढ़िया लगा ये।
यमी है, बढ़िया डिफरेंट टेस्ट, हल्का सा स्वीटनेस भी है, पीनट का टेस्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है, नाइस चॉप चॉप स्वीटनेस है इसमें, बाकी बहुत बहुत बढ़िया टेस्ट। ये मेरा फिफ्थ चॉप है, सरप्राइजिंगली मैंने कभी भी आम का जो मैंने मुझे पता भी नहीं था कि आम का चॉप होता है, तो ये भी मेरे लिए एक नया आइटम है जो मैं पहली बार खाऊंगा, इसको कहते हैं आम का चॉप। तो ओके, ये तोड़ने से इस तरीके से दिखता है और इसमें आम का एक एरोमा तो आ रहा है, साथ में इसमें बीट बीट यानी कि चुकंदर उसका पीसेस देखने को मिल रहा है। ट्राई करते हैं, पहले मुंह में डालते हैं उसके बाद पता चलेगा इसका फ्लेवर कैसा है। कच्चा आम, कच्चा आम का है, पीसेस काटे काट के डाला गया है। एक अलग ही स्वाद है इसका भाई, मजा आ गया, मजा आ गया भाई, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। किसी की किसी भी जगह का नाम ऐसे ही नहीं बनता, और ये आपका नहीं है, 105 साल पुराना दुकान, कहा जाता है कि इसी स्वाद को वो रिटेन करके आ रहे हैं आज तक, तो इससे पता चले इनका लेगेसी क्या है और वो उनको किस तरीके से बरकरार रखा है, वो उनके स्वाद से ही पता चलता है, उनके जो व्यंजन है उससे ही पता चलता है कि इनका लेगेसी ये बिल्कुल बरकरार करके चले आ रहे हैं। मैं बहुत पहले खाया था, तब उतना मुझे ध्यान, मैं ब्लॉग नहीं बनाता था उस वक्त, तब भी मुझे मैंने दूसरे चीज़ें खाए थे जो नॉर्मल होते हैं, प्याजी आलू चॉप इस तरीके की चीज़ें खाए थे, लेकिन आज जब ब्लॉग बनाने आया तो पता चला कि भाई क्यों ये इतना नाम कमा रहे हैं, क्यों इतना फेमस है। नो डाउट बहुत बढ़िया चीज़ खाया मैंने, नारियल का ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब चीज़ है। हाँ, इसमें एक चीज़ है कि इसमें टेंजी, और चूँकि कच्चे आम का तो टेंजी टेंजी एक टेस्ट तो आता ही है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा है, हल्का सा स्वीटनेस भी है इसमें, स्पाइसी नहीं है, खा के मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पहले तो 2-3 चार खा लिया, दूसरा किस्म का चॉप, अभी मैंने आम का चॉप खा रहा है। आम का फ्लेवर तो जरूर है लेकिन लाजवाब है, आम का फ्लेवर में भी बहुत जगह में हम लोग आम तो बंगाली का बहुत बहुत बढ़िया मैंने फॉल है, सोचता भी फॉल है, उसको नाम तो बोलने से ही तो सबको पता चल जाता है जब बंगाल में आम का ही एक फलन है, तो ये आम से बहुत कुछ बनता है, हमको आम का चटनी भी मिलता है, आम का शरबत भी मिलता है, लेकिन आम का चॉप ये मेरा पहली बार हम खा रहा है, बहुत आ रहा है, देखने में बहुत मज़ा, खाने में बहुत स्वाद, ना जवाब, जो पहले वो मेरा दोस्त बोला था वही हम बोल रहे हैं ना जवाब। तो आज का जो शाम है वो टेलेवाजा के नाम था, अगर आप लोगों का कोलकाता में आना होता है या फिर आप कोलकाता में ही रहते हैं और अभी तक नॉर्थ कोलकाता का लक्ष्मी नारायण साहू और संस का टेलेवाजा नहीं खाया है तो आइए ज़रूर खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। हमने तो सिर्फ 5-6 ही वेराइटीज़ आज एक्सप्लोर किया है, यहाँ पे करीब 17-18 वेराइटीज़ है। इस टाइमिंग जो है ये सुबह 6-7 बजे खुल जाता है, कंटिन्यूसली रहता है रात के 9 बजे तक, लेकिन जो 12 बजे तक आपको एक टाइम मिलेगा और 12 से 4 बजे के बाद जो वो सुबह बनाते हैं उसको ही ये बेचते हैं। 4 बजे के बाद से आपको ये जो कच्चे आम का चॉप है या फिर नारियल का चॉप है, कश्मीरी चॉप है, ये सब चीज़ आपको मिलेगा। तो आपको कैसा लगा आप एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाकियों से तो यही अनुरोध है कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सेहतमंद रहिए। बाय बाय, टाटा, कल दोबारा मिलते हैं।